प्रश्न, मेरी पत्नी की बहन की आयु 23 वर्ष है और वह विशेष जरूरतों वाले लोगों में से है। उसकी सोच के स्तर में बौद्धिक देरी पाई जाती है और उसे मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, किंतु सुभान अल्लाह मेरे पालनहार ने उसे ऐसा दिल दिया है जो आज्ञाकारिता और विशेषकर नमाज से प्यार करने वाला है। अल्लाह की कसम मैं कामना करता हूँ कि मेरे अंदर भी उसी की तरह नमाज की चाहत और उसके समय पर उसकी प्रतिबद्धता हो जाती। प्रश्न यह है कि वो मिर्गी के दौरे से पीड़ित है, अल्लाह ताला उसे स्वास्थ्य प्रदान करे, और इस अवधि में उसके अंदर वृद्धि हुई है। अपेक्षित यह है कि वो दवा का प्रयोग करे, जबकि वो रोज़ा रखने की आदी है, लेकिन उसकी माँ का डर, रोजी की लंबी अवधि और उसे पहले से अधिक दौरे पड़ना, इन सारी चीज़ों ने उसकी माँ को आश्चर्य में डाल दिया है और अपनी उत्सुकता के कारण उसने मुझसे फतवा के बारे में प्रश्न करने की मांग की है। तो क्या उसके लिए जायज़ है कि रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ दे और रोज़ा तोड़वा कर उसे दवा दे और उसके बाद उसे रोज़ा पूरा करने के लिए कहे, क्योंकि वो गुस्सा होगी कि उसने रोज़ा नहीं रखा? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। सर्वप्रथम, बीमारी रोज़ा तोड़ने को वैध ठहराने वाले कारणों में से है। इसी तरह यदि बीमार व्यक्ति को रमज़ान के दिन के दौरान इलाज की ज़रूरत है तो उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है और उसने जिन दिनों के रोज़े तोड़ दिए हैं उनकी बाद में वो कज़ा करेगा। इस आधार पर उस लड़की की माँ के लिए अपनी बेटी को रमज़ान के दिन के दौरान दवाई देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। यदि रोज़ा उसकी बेटी को नुकसान पहुँचाता है या उसकी बीमारी को बढ़ा देता है, इस स्थिति में उसे चाहिए कि अपनी बेटी को इस तथ्य से आश्वस्त कर दे कि उसके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, क्योंकि वो बीमार है और अल्लाह सर्वशक्तिमान ने अपनी दया से बीमार को माजूर करार दिया है, जैसा कि अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, अर्थात और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो उसे रोज़ा मुकम्मल करने दे, लेकिन रमज़ान के बाद वो उसकी जगह पर एक दिन कज़ा करेगी। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह से प्रश्न किया गया, मुझे मानसिक रोग है, मैंने अपने आप को डॉक्टर पर पेश किया तो उसने गोलियों के रूप में 5 साल की अवधि के लिए हर 12 घंटे में एक गोली के खुराक दिए, तो मैं क्या करूँ, विशेषकर रमज़ान के महीने में? फिर यह भी है कि रोज़ा 15 घंटे तक पहुंच जाता है, यदि मैं इस अवधि से 1 घंटे से भी कम विलंब कर दूं तो मुझे यह बीमारी अर्थात मिर्गी लौट आएगी। तो उन्होंने उत्तर दिया, अल्लाह सर्वशक्तिमान का फरमान है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अर्थात तुम अपनी शक्ति भर अल्लाह से डरते रहो। तो जब वो ऐसी बीमारी है जो दवा की खुराक को उसके समय से विलंबित करने से होती है तो रोज़ा तोड़ने में कोई हर्ज अर्थात आपत्ति की बात नहीं है। यदि दिन 15 घंटे का होता है, इस तरह के दिनों में वो गोली खाने में कोई आपत्ति नहीं है जो उसके लिए डॉक्टर के द्वारा बताई गई है, इसके द्वारा वो रोज़ा तोड़ देगा और इस दिन की कज़ा करेगा उस गोली के खाने की वजह से, तथा वो खाने पीने से रुक जाएगा और कज़ा करेगा, क्योंकि उसने उसी की वजह से रोज़ा तोड़ा है, अतः वो रोज़ा तोड़ देगा और खाने पीने से रुक जाएगा और बाद में उसकी कज़ा करेगा। लेकिन यदि वो उसे विलंब करने पर सक्षम है और उसके ऊपर कठिन नहीं है ऐसा करना, तो उसके लिए विलंब करना अनिवार्य है, यहाँ तक कि वो उसे रात के समय खाएगा। दूसरा, आपने उस लड़की के बारे में जो उल्लेख किया है कि वो बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद आज्ञाकारिता की इच्छुक और भलाई के कामों से प्यार करती है, तो यह आपके लिए भलाई के कामों के अंदर जल्दी करने और उसके लिए उत्सुकता पर प्रेरणादायक होना चाहिए, क्योंकि सक्षम आदमी की ओर से कमी का होना असक्षम व्यक्ति की ओर से कमी होने की तरह नहीं है। एक सक्षम व्यक्ति की कमी को दोष में गिना जाता है, जैसा कि किसी कहने वाले ने कहा है, मैंने लोगों के दोषों में पूरा करने पर सक्षम व्यक्ति की कमी की तरह कोई चीज़ नहीं देखी। अल्लाह ताला हमारी और आपकी अपनी आज्ञाकारिता पर और उसमें जल्दी करने पर सहायता करे और उस महिला के लिए शीघ्र स्वास्थ्य लिख दे। निसंदेह वो इसका मालिक और इस पर सर्वशक्तिमान है और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।